हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। गाइज, आप सबको बताया, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि बहुत सारी AEJEE की वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी निकलती रहती है, और ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आपके लिए है। HAL के अंदर हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर फंक्शन करता है, तो यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली है। अगर आप देखो गाइज, जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के बच्चों के लिए टोटल 3 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आपकी डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, देन डेफिनेटली आप इस फॉर्म में एलिजिबल है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में अगर आप देखोगे गाइज, तो यहां पर जनरल में 2 और टोटल OBC NCL में 1, और टोटल 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहां पर मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इनमें से किसी में भी अगर आपकी डिग्री है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। गाइज, यहां पर अगर हम देखेंगे तो PWD जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व है। आप लोग भी एज पर अप्लाईकेबिलिटी अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे CGPA आपके में मेंटेन होने चाहिए जितने भी सेमेस्टर्स है, उस हिसाब से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहां पर एज लिमिट जो इन्होंने रखी है गाइज, एज जो है वो आपकी 8/5/2024 के हिसाब से काउंट होगी, और मैक्सिमम एज जो इन्होंने बोली है वो 35 ईयर रखी है। तो 35 ईयर से अगर आपकी यहाँ पर एज लिमिट कम है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन आपको थोड़ा सा एज रिलेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, तो जो सर्विस बॉन्ड होता है यहाँ पर, एंड अगर आप सैलरी की बात करो तो 30,000 से लेकर 1,20,000 का आपका बेसिक पे ये सैलरी स्लैब रहता है। इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अलाउंसेज और बेनिफिट्स है, मेडिकल फैसिलिटी लीव है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 30% आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिक पे का आपको कैफेटेरिया सिस्टम्स और बाकी मिलते हैं, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहता है, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस भरने की जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको A साइज पेपर जो है उसमें फॉर्म को फिल करके, आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर्म आपको दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। तो ये आपको 8 मई 2024 से पहले पहले इस लोकेशन पर पहुँच जाना चाहिए। तो गाइस, इसकी PDF जो है मैं आपको kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर इस PDF में वो फॉर्म भी अटैच है जिसको आप फिल करके इस एड्रेस पर भेज सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस, वहां से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो ये जो PDF है पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस की, इसमें फॉर्म अटैच है, kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दी है, 500 रुपीज़ है। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो फीस आपकी एग्जाम्प्टेड है। सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न टेस्ट से आपका होने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा रिटर्न टेस्ट पर, और उसी के हिसाब से आगे ये प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न टेस्ट आपका 2.5 आवर्स का होगा, और इसमें आपका 3 पार्ट्स में होने वाला है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के, और पार्ट 3 में आपके होंगे 100 क्वेश्चंस जो भी कंसर्न डिसिप्लिन है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट जो भी आपका ID कार्ड वगैरह है वो आपको पेपर में लेके जाना होता है, बाकी और भी इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो कभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी डिटेल्स इनकी अवेलेबल है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह लगानी है, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह वो मेंशन करनी है। जितना भी इस गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करके जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उन सबको फिल करके आप सबको अपना जो फॉर्म है उस एड्रेस जो मैंने आपको बताया उस एड्रेस पर भेज देना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंसिडर हो जाएगा। गाइज, आगे भी अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आएगी, इसके रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आएगी, तो आपको kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। और भी कोई नोटिफिकेशन अपडेट या आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो आप टाइमली बेसिस पर आपको इंजीनियर्स वाले पर मिलती रहेगी। इंजीनियर्स वाले की जो फैमिली है उससे टच में रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।